आप सब, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ KYP सीरीज एंड आज मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम से रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये ब्रांड का रिक्वेस्ट तब से आ रहा है जब से KYP सीरीज स्टार्ट हुआ है एंड फाइनली मुझे मौका मिल ही गया इस वीडियो को पब्लिश करने का। सो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ कि वो आपके लिए कितना सेफ है और आपको वो यूज करने चाहिए या नहीं। वैसे यूज करने का डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचाना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा आज का प्रोडक्ट। तो मेरा आज का प्रोडक्ट इज दिस गुड वाइब्स टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सिरम, जो कि इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। एंड यस, ये मेरे पास ड्रॉपर में है और यस, ये प्रोडक्ट कांच की बॉटल में आता है। साथ ही साथ जब ये आपके पास न्यू प्रोडक्ट आएगा तो इस तरह के कैप के साथ आता है और अच्छे से सील होकर आता है। इसका क्वांटिटी है 10 ml, इसका MRP है 225 रुपीज, लेकिन मैंने इसे डेफिनेटली डिस्काउंट पे खरीदा था। आई थिंक 173 और 185 यही कुछ डिस्काउंट चल रहा था जब मैंने इसे खरीदा था। एंड इसका शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स का मैन्युफैक्चरिंग डेट से, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि घुलने के बाद आपको ये किसी पर्टिकुलर टाइम में यूज करना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप नेक्स्ट 2 ईयर्स तक बड़े आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके की इंग्रेडिएंट्स है टी ट्री ऑयल एंड पपाया। ये क्लेम करता है कि ऑयल कंट्रोल के लिए है, यानी कि ये ऑयली स्किन के लिए है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। बट गलती से भी सेंसिटिव स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले इसे यूज ना करें। एंड ऐसा मैं इस प्रोडक्ट के कहने पर भी बोल रही हूँ आपको और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ। तो बात कर लेते हैं इसके कलर और टेक्सचर की। तो ये इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिरम है, बट यस, ये ऑयल बेस्ड सिरम है, ऑयली स्किन के लिए ही है। बट इसका फॉर्मूला बहुत लाइट है। जब आप इसे स्किन पर अप्लाई करते हैं तो जरा भी ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई थिक ऑयल लगा रहे हैं। बहुत लाइट और वेलवेटी टेक्सचर है इसका, बट ये काम में उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप इसे हद से ज्यादा 1 या 2 ड्रॉप ही लगा सकते हैं। इट्स टाइम टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड यस, मैंने इसे यूज किया और इसने 2-3 डेज में ही अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसने बहुत अच्छा काम किया ऑयल कंट्रोल को लेके। एंड या आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, तो स्टार्टिंग में तो मैंने पूरे फेस पर लगाना स्टार्ट किया एंड मेरा ड्राई एरिया और भी ज्यादा ड्राई हो गया था एंड मुझे फिर इचिंग स्टार्ट हो गई। दैट्स वाई फिर मैंने इसे सिर्फ अपने टी जोन पर ही लगाया, क्योंकि मुझे टी जोन में ही ऑयल आता है, चीक्स के अराउंड या फिर बाकी के एरिया में नहीं आता है। एंड यही रीजन है कि अगर कॉम्बिनेशन वाले इसे यूज कर रहे हैं तो सिर्फ टी जोन पे लगाएं, अपने चीक्स या ड्राई एरिया में ना लगाएं। आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी और लाइक बहुत ज्यादा वो फ्लेकी स्किन होने लगता है ना, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है एंड कॉम्बिनेशन स्किन होने के बावजूद भी अगर आपको ब्रेकआउट्स होते हैं तो आप सिर्फ टारगेटेड एरियाज पर सीरम को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एंड या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। पहले मैंने तो मतलब 1-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट फेस पे लगाने स्टार्ट किए, बट फिर मैंने इसे 1 ड्रॉप अपने मॉइस्चराइजर में डाल के अप्लाई करना स्टार्ट किया, ताकि क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और मैं इतना लोडेड, इतना कॉन्सेंट्रेटेड अपने फेस पर लाइक बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। दैट्स वाई मैंने इसे 1 ड्रॉप अपने मॉइस्चराइजर में मिलाकर लगाना स्टार्ट किया। एंड देन मैंने इसे थोड़ा टाइम यूज किया एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये इस चीज जो है मुझे लॉन्ग टर्म में नहीं सूट करेगी अगर मैं इसे रेगुलर बेसिस पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ टी जोन में ऑयल आता है, पूरे फेस पे नहीं आता है। मुझे कोई एक्ने का भी आजकल इतना खास प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसे रोज रेगुलर नाइट टाइम में यूज करूं। सो या यही एक रीजन था कि मैंने इसे थोड़े वक्त के लिए यूज किया। पर यस, जब भी मुझे हैवी क्रीमी लुक चाहिए होता है, यानी कि मैं क्रीम कंट्यूर करने वाली हूँ अपने फेस के ऊपर और HD मेकअप यूज करने वाली हूँ, तो आई यूज दिस सीरम, ताकि मेरा जो फेस है वो ज्यादा सीबम ना क्रिएट करे और मेरा जो मेकअप है वो केकी ना हो जाए, वो मेसी ना हो जाए, वो बाद में ऐसा ना लगे कि मैंने कोई मास्क लगा रखा है। दैट्स वाई जब भी मुझे हैवी मेकअप करना होता है तभी मैं इसे यूज करती हूँ, बट अभी मैं रेगुलर में इसे यूज नहीं कर रही हूँ। और कुछ मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स भी बॉदर कर रहे थे, दैट्स वाई मैंने इतना कुछ वो नहीं किया। तो सारी बातें कर ली, अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, जो इस वीडियो का मेन पार्ट है। तो या इंग्रेडिएंट्स पर आते हैं। इंग्रेडिएंट्स में ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, आप डिस्क्रिप्शन एक्सपैंड करेंगे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट वहां मिल जाएगी। इसके मेजरली 3 ही इंग्रेडिएंट्स थे जिन्होंने मुझे बॉदर किया, बाकी तो ये टोटली सेफ था मेरे लिए। तो आपने डिस्क्रिप्शन एक्सपैंड कर लिया होगा तो आप उसमें चेक करेंगे. इसमें है फिनोक्सी इथेनॉल, एथाइल एक्साइलग्लिसरीन एंड ट्राईइथेनॉल अमाइन. तो ये इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट में प्रेफर नहीं करती हूँ. आई मीन फिनोक्सी इथेनॉल मुझे चलता है बट अगर वो किसी एक प्रोडक्ट में होगा तो ठीक है, आई एम ओके, मैं यूज कर लूंगी, बट हर दूसरे प्रोडक्ट में नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट में, ठीक है. और बाकी के दो इंग्रेडिएंट्स तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ये टॉक्सिक तो डेफिनेटली होते हैं, चाहे लो टॉक्सिक होते हैं बट ये होते हैं. एंड अगर आपके फेस पर स्कार्स या फिर ऐसा कुछ है तो आप उस टाइम पे ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उन्हें आप अवॉइड करें. एंड यस, इट हैज PEG 400. तो आप देख लें, अगर आप PEG 400 प्रेफर करते हैं अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में तो आप यूज कर सकते हैं. मुझे वो इतना बॉदर नहीं करते क्योंकि वो FDA अप्रूव्ड है, EU अप्रूव्ड है, तो इतना बॉदर नहीं करते हैं. बट यस, PEG 400 कुछ ऐसा है कि जो आपके बेबी प्रोडक्ट्स में नहीं होना चाहिए. ओवरऑल इसमें बहुत कम टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं और अगर आपको वो बॉदर नहीं करते तो आप यूज कर सकते हैं. एंड अगर आपको वो करते हैं तो आपको पता ही है क्या करना है. सो मेरे लिए ये काफी अच्छा काम किया एंड मैं इसे सिर्फ हैवी मेकअप के टाइम पर ही यूज करना प्रेफर करूंगी या फिर जब मुझे एक्ने हुआ होगा तो शायद मैं स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह इसको यूज करूं, इस सीरम को, क्योंकि ये काफी अच्छे से एक्ने को कवर अप करता है. प्लस अगर आप अंडर 18 हैं तो यस, ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है. आई नो के प्यूबर्टी में और उसके बाद बहुत सारे एक्ने इंसान फेस करता है, सब करते हैं, सबके साथ होता है, बट अंडर 18 इसे यूज नहीं करेंगे. अगर आप 18+ हैं तो डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर देना मत भूलिएगा. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगला KYP किस पे देखना चाहते हैं. एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं हर फ्राइडे एक वीडियो KYP से रिलेटेड पोस्ट करती हूँ. और IG फैम को जरूर ज्वाइन कर ले, कोई भी अपडेट होगा या फिर बातचीत करनी होगी तो हम वहां पर जरूर करेंगे. एंड या आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.